नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। यूपी के पीलीभीत में सोमवार को तमंचे के बल पर जन सुविधा केंद्र में घुसकर संचालक से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लूटने के नामजद आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने धर दबोचा। उनके पास से 1,500 रुपए, 2 तमंचे, 2 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। एक बैंक मित्र की दुकान पे जाकर के 2 अपराधियों ने 8 तारीख को एक लूट की घटना कर ली थी। उस लूट की घटना से तुरंत बाद से पुलिस उसमें सक्रिय हो गई थी। क्षेत्राधिकारी पूरनपुर, इंस्पेक्टर पूरनपुर और उनकी टीम तभी से लगी हुई थी। 2 अपराधी जिनने घटना की थी उनको अरेस्ट किया गया है और उनके निशानदेही पर और उनके पास से ये रिकवरी हुई है। एक तमंचा बरामद हुआ है और इनके सीसी फुटेज हमारे पास में, वहाँ आसपास जब ये भाग रहे थे वो सारे एविडेंस मिल गए हैं। ये इसमें से कुछ पैसा इनने बैंक में जमा कर दिया था, उस बैंक को भी नोटिस दे दी गई है कि ये लूट का माल है। शत प्रतिशत रिकवरी कर ली गई है और घटना का एकदम बिल्कुल सही अनावरण किया गया।